Hey there everyone, this is Ashmita from Saurabh Sir's Classes and आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी MTS मतलब नॉन टेक्निकल स्टाफ के पोजीशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है एंड हवलदार के पोजीशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मतलब CBIC एंड CBN एग्जामिनेशन के जो भी डिटेल्स है उसी को लेके आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ मतलब MTS एंड हवलदार इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स मतलब कि CBIC एंड फॉर द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मतलब CBIN अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए? स्टार्टिंग विद द एलिजिबिलिटी फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो रहना चाहिए एटलीस्ट क्लास 10th पास फ्रॉम अ रिकग्नाइज बोर्ड एंड आपका एज लिमिट होना चाहिए फ्रॉम 18 टू 25 ईयर्स फॉर द MTS एंड हवलदार इन CBN एंड 18 टू 27 ईयर्स फॉर द हवलदार पोस्ट इन CBIC एंड फॉर द लाइक अदर पोस्ट ऑफ द MTS। इसका सिलेक्शन प्रोसीडियर कैसे रहता है? तो ये जो सिलेक्शन प्रोसीडियर है इसमें ना तीन स्टेजेस होता है। पहला होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब CBE। इसमें रहता है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 100 मार्क्स एंड ये आपको कंप्लीट करना रहता है विद इन 75 मिनट्स एंड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। सो मोस्टली यहाँ पे चार टॉपिक्स रहेगा। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो है वो है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मतलब PET का एक स्टेज रहता है। तो ये जो PET का स्टेज है इसमें आपको लाइक अटेंड करने पड़ सकते हैं एक रेस, मतलब 1600 मीटर्स का एक रेस रहता है फॉर द मेन एंड 800 मीटर्स रेस फॉर विमेन। हाई जंप रहता है 6 feet 6 inches फॉर मेन एंड अराउंड 5 feet फॉर विमेन। लॉन्ग जंप रहता है 16 फीट फॉर मेन एंड 12 फीट फॉर वुमेन एंड ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एक मैंडेटरी प्रोसीजर रहता ही है। इसके ये जो पोस्ट्स है इसका पे स्केल क्या होता है? पे स्केल फॉर द पोस्ट्स ऑफ MTS एंड हवलदार मतलब CBIC एंड CBN इज एज फॉलोज एज आई बी टेलिंग यू ऑल नाउ। लाइक पे लेवल बेसिक पे रहता है 18,000 का, ग्रेड पे रहता है 5,400 का। सो हम कह सकते हैं टोटल पेमेंट आपका रहेगा लाइक 23,400। पर्क्स एंड बेनिफिट्स तो डेफिनेटली रहता ही है। सो इन एडिशन टू द बेसिक सैलरी MTS एंड हवलदार मतलब CBIC एंड CBN एम्प्लॉयज आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सर्टन पर्क्स एंड बेनिफिट्स जैसे कि DNS अलाउंस रहता है जिसको DA कहा जाता है, हाउस रेंट अलाउंस रहता है जिसको हम HRA कहते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है, मेडिकल अलाउंस रहता है, लीव ट्रैवल अलाउंस भी रहता है LTA एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मतलब CPF में भी पैसा जमा होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो एग्जैक्टली जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या काम करना पड़ेगा आपको? जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ MTS एंड हवलदार CBIC एंड CBN एम्प्लॉयज डेफिनेटली वैरीज डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट दैट दे आर गेटिंग एंड द पोस्ट टू विच दे आर असाइंड टू। लेकिन कुछ होता है ना कॉमन ड्यूटीज, तो कॉमन ड्यूटीज क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है असिस्टिंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन द क्लरिकल टास्क। सेकेंड होता है प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड असिस्टेंस टू द ऑफिसर्स। थर्ड होता है मेंटेनिंग द ऑफिस रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स। फोर्थ होता है ऑपरेटिंग द ऑफिस इक्विपमेंट्स। फिफ्थ होता है परफॉर्मिंग द अदर ड्यूटीज एज असाइंड टू ईच ऑफ दीज पोस्ट्स। तो आखिर में मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि MTS एंड हवलदार की जो भी पोस्ट्स है आर एंट्री लेवल गवर्नमेंट जॉब्स दैट ऑफर रियली गुड लाइक जॉब सिक्योरिटी एंड प्रोवाइड यू विद लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ करियर इन गवर्नमेंट सर्विस दिस इज अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर। सो अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं ऑन जॉब वैकेंसीज एंड अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशंस एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स जॉब एग्जाम्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, इफ यू नीड गाइडेंस, इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस देन डू जॉइन आवर क्लासेस।
All the details are given in the description box below this video. Do follow that, and you can contact us for live lectures, recorded lectures, portal access, which would be available to all the enrolled candidates 24/7. Apart from that, there is doubt clearing session. There are study materials which are provided to you at your doorstep, and of course you will get our study materials from Amazon and Flipkart also if you go there and find it out. And of course, if you want to talk with us regarding any preparation, regarding any kind of entrance exams, do give us a call on the number which is given in the description box. Thank you for being with me till the end of this video. Let us meet again in the next class.